हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको राउटर्स पे कैसे टेलनेट इनेबल करते हैं ये बताऊंगा। सो टेलनेट पहले होता क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले टेलनेट क्या होता है ये जानते हैं। तो टेलनेट एक्चुअली एक सर्विस है जिसके थ्रू आप किसी भी डिवाइस को आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। टेलनेट की कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे टेलनेट पोर्ट 23 होता है, यानी कि अगर टेलनेट पोर्ट 23 ब्लॉक कर दिया जाए तो डिवाइसेस को रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। रिमोटली एक्सेस बाय द पीसी, आप किसी भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं पीसी के थ्रू। जैसे ये राउटर है, अभी इस राउटर को आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये राउटर का आईपी एक आईपी एड्रेस सीरियल इंटरफेस पे 192.168.0.1 है, दूसरा आईपी है। और ये आप, मैं इसको एक एडमिनिस्ट्रेटर मान ले रहा हूँ, ये जो सिस्टम है इस पे एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है। अब ये चाहता है कि ये यहाँ से बैठ के ये राउटर जो अदर लोकेशन पे है, जैसे मैं इस राउटर को, ये राउटर आपका लखनऊ में प्लेस्ड है और ये राउटर आपका दिल्ली में है, तो दिल्ली में जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है ये यहाँ से बैठ के लखनऊ के राउटर को कॉन्फ़िगर करना चाहता है। तो दो मेथड होते हैं, एक तो होता है आपका लोकल में आप लोकल एक्सेस मेथड, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली केबल कनेक्ट करके, कंसोल केबल कनेक्ट करके राउटर को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर दिल्ली में बैठा हुआ बंदा लखनऊ के राउटर को एक्सेस करके, यानी उसके कंसोल को लेके उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है, तो ये पॉसिबल तभी है जब आप इस ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो और इसमें टेलनेट इनेबल हो, सो दैट कि ये इसका कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस कर सकें। सो इसके लिए टेलनेट करते हैं। चलिए कैसे करते हैं ये देखते हैं। राउटर पे टेलनेट इनेबल करना होता है। टेलनेट इनेबल करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड, सबसे पहले प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले सेट कर लेते हैं प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड, और पासवर्ड जो सेट करेंगे वो हम सीक्रेट पासवर्ड सेट करेंगे। इनेबल सीक्रेट, सीक्रेट में डाल दिया मैंने आइडियाज फॉर विक, एंटर प्रेस करते हैं तो ये सीक्रेट पासवर्ड सेट हो गया है प्रिविलेज मोड पे। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर टेलनेट इनेबल करता हूँ। टेलनेट इनेबल करने की कमांड यहाँ से स्टार्ट होती है, लाइन स्पेस VTY 0 स्पेस 4। ये 0 से 4 यहाँ टर्मिनल होते हैं, यानी नंबर ऑफ वर्चुअल टर्मिनल आप 5 इनेबल कर सकते हो। तो मैंने 5 टर्मिनल से इनेबल किए हैं 0 to 4। एंटर प्रेस करते हैं, देन यहाँ पर लॉगिन कमांड एंटर करते हैं। लॉगिन जब तक सेट नहीं होगा जब तक कि पासवर्ड नहीं आप सब अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले पासवर्ड अप्लाई करते हैं, देन लॉगिन इनेबल करते हैं। तो पासवर्ड स्पेस, जो भी पासवर्ड सेट करना है इस पर मैं पासवर्ड सिस्को टाइप कर रहा हूँ, एंटर। देन यहाँ पर अगली कमांड लॉगिन चलेगा, एंटर प्रेस करेंगे। सो इतना कमांड था। पहला कमांड है लाइन VTY 0 स्पेस 4, दूसरी कमांड है पासवर्ड सेट करना, यानी पासवर्ड टेलनेट पे पासवर्ड देने के लिए आप पासवर्ड स्पेस पासवर्ड देंगे, जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं आप। मैंने यहाँ पर सिस्को दिया हुआ है। देन लास्ट कमांड लॉगिन चलाएंगे, इसको बंद कर देंगे। अब ये जो दिल्ली में बैठा हुआ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट से राउटर को टेलनेट करेगा। टेलनेट करने के लिए टेलनेट लिखेगा, देन राउटर का आईपी एड्रेस यहाँ पर मेंशन करेगा, एंटर प्रेस करेगा। आप देख सकते हैं यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन, जो पासवर्ड मैंने टेलनेट पे दिया है वो टेलनेट का पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ मैं सिस्को टाइप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, R1 शो कर गया। देखिए राउटर का प्रॉम्प्ट आ गया। अब यहाँ पर मैंने इनेबल करके आगे प्रिविलेज मोड पे जा रहा हूँ, एंटर, पासवर्ड मांग रहे हैं। पासवर्ड दिया, जो मैंने दिया था आइडियाज फॉर विक, एंटर प्रेस किया, ले लिया। शो आईपी रूट, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर मोड पे जा सकते हो, यहाँ से इंटरफेस पे आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि आईपी एड्रेस आपको, जिससे आप कनेक्टेड है उस आईपी एड्रेस को अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी कनेक्टिविटी वहीं से ब्रेक हो जाएगी। तो आपने इस सेशन में देखा कि कैसे टेलनेट इनेबल करते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।